खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया पुलिस के सामने युवक की जमकर पिटाई व मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के आर्य समाज रोड में बाप बेटे की जमकर पिटाई हुई। पुलिस की मौजूदगी में मकान मालिक की दिखी दबंगई। पीड़ित किरायेदार ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। किराए पर रह रहे पीड़ित दुकानदार ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि किरायेदारी के मामले में उक्त मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद मकान मालिक के द्वारा जबरिया दुकान से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में 20 जून को स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों द्वारा मारने पीटने और विवाद करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ित किरायेदार पक्ष ने आरोप लगाया कि दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में हमारे साथ मारपीट की गई और पुलिस ने उल्टा हमारे ऊपर शांति भंग करने के आरोप में चालान कर गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा दुकान से बेदखल करने की नियत से पहुंचे लोगों ने तोड़फोड़ की और मारा पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अंचल एक्सप्रेस वे से जुड़ने पर पूरे प्रदेश में एक्सप्रेस वे फर्रांटेदार और सुगम सफर का साधन बनेंगे। लगभग 996 किलोमीटर लंबी बुलंदखंड एक्सप्रेस वे के 4 लेन बनाकर लगभग तैयार है। भविष्य में 6 लेन तक विस्तारीकरण की योजना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण में कुल 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैम प्लाजा, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन की तैयारियों के लिए लगातार अधिकारी दौरे कर रहे हैं। जालौन के सोमई के पास बने टोल प्लाजा के पास प्रधानमंत्री का संभावित कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर वह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शुभारंभ कर देश को समर्पित करेंगे। कल हमारे साथ लगभग 1 बजे के आसपास अनिल वर्मा और उसका भाई कुमकुम वर्मा अचानक हमारे दुकान पर आए और एक दो पुलिस लेकर आए, कह रहे हैं कि तुम निर्माण करा रहे हो, ये वो वगैरह वगैरह, और लांछन लगाने लगे और हमको खींच कर बाहर ले जाके मारने लगे। हमको बाहर मारने लगे और मेरे पापा को भी, मतलब कि अंदर जाकर उनको मारा पीटा और मेरा कैमरा भी वहाँ से छीन छोड़ ले गए। जो ऊंचाई पर कैमरा था वो बच गया था, उसी का ये फुटेज है जो मैं आपको दे रहा हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।